माहीन, अबे यार तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? तुमने 5 बजे का कहा था, अभी सिर्फ 3:30 हुए। अच्छा तुम्हें इतना तैयार होके करना भी क्या है? ये मुझे दो, इधर दो ना यार। मैंने सोचा रोशनी को भी तो पिक करना है ना, और फिर तो जा रहे हैं तो फिर जकिया चाची को भी सलाम कर लेंगे, ठीक है? ये लो हो गया, चलो ना। मेहरबानी। तंस कर रही हो? शुक्रिया अदा कर रहे। अच्छा जाओ ना, जल्दी करो यार। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं बहन आप? जी जी जी, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लग रहा है कि, अरे मेरी बात तो सुने, अरे बहन कोई गलत फहमी हुई होगी आपको। हेलो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा ये लड़की मुझे कहां कहां जलील करवाएगी। चाय। थैंक यू। सुनो नीचे किसी को मत बताना कि हम मूवी देखने जा रहे हैं। मैं तो सोच रहा था कि उमर को, नीचे से आवाजें आ रही थी, माहीन और उमर वो भी फिल्म पे जाने का प्लान बना रहे हैं तो। बस रहने दो, उनकी बात और है, वो खास और खास लोग हैं, सुबह से फ्लू का बहाना बनवा के लाड उठवा रही है, वो जाएगी तो उसे कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन हम अगर जाएंगे ना तो सब लोग 100 बातें सुनाएंगे। पहले तो कहेंगे कि शौहर को घर पे रोक लिया बीमारी का बहाना बना के, और उसके बाद शहर से पार्टी को निकल गए। अच्छा कपड़े बताओ क्या पहनना है, मैं स्पीकर दूं? वो पैंट शर्ट अच्छी सी निकाल दो यार। ठीक है। मोनस, मोनस। जी अम्मा। मोनस जरा माई को फोन तो कर, सुना है वो आई थी और फिर गली से ही वापस चली गई, माँ के पास आके झांका भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? हाँ वही तो, रोशनी की माँ बता रही थी, वो आई रोशनी को लिया और तीनों फिल्म देखने के लिए चले गए। अब फोन करके पता करो क्या वो जब फिल्म के बाद यहाँ आएंगे तो रुकेंगे, खाना खा के जाएंगे, अगर खाएं तो फिर मैं कुछ बना लूँ। जाहिर है आएंगे तो रुकेंगे ही। वैसे अम्मी ये सब कुछ अजीब नहीं लग रहा आपको? तो वो दोनों रोशनी को साथ लेकर फिल्म देखने गए। बचपन की सहेली है उसकी। फिर भी अम्मी आ जाए तो समझाइएगा जरूर, आप तो जानती है ना उमर कितना लावाबाली सा है, और इन बातों से फर्क पड़ता है, ताई अम्मी शायद एतराज ना कर दें इन बातों। कह तो ठीक रहे हो, आती है तो फिर करती हूँ बात, लेकिन फोन तो कर, कुछ अगर खाने को बनाना है तो मुझे बता देना टाइम।